दोस्तों स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने आज जबरदस्त रिजल्ट पेश किए। दोस्तों तोड़फोड़ रिजल्ट बोल सकते हो। दोस्तों इस रिजल्ट के दम पे ये कंपनी जबरदस्त रैली कर सकती है। दोस्तों और ये शेयर आगे अच्छी वेल्थ बना सकता है। दोस्तों और ये शेयर अभी बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। दोस्तों 100 रुपीज के नीचे ये शेयर चल रहा है। दोस्तों और ये शेयर रैली कर सकता है। दोस्तों और आपको न्यूज देख के ही पता चल जाएगा दोस्तों कैसे रिजल्ट है कंपनी की। आपको कंप्लीट रिजल्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो कल्याण ज्वेलर्स का Q1 रिजल्ट में प्रॉफिट डबल हो चुका है। दोस्तों 108 प्रॉफिट देखिए। दोस्तों Q1 का 108 करोड़ का प्रॉफिट किया है दोस्तों कंपनी ने। और रेवेन्यू जंप किया है दोस्तों 104% से। तो रेवेन्यू डबल हो चुका है दोस्तों और प्रॉफिट 108 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी डबल हो चुका है दोस्तों। प्रॉफिट तो डबल से भी ज्यादा बोल सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी आगे देखेंगे हम रिजल्ट दोस्तों। और देख सकते हो अभी इन्होंने पूरे रिजल्ट का विश्लेषण किया है इधर। अब हम आंकड़ों पे आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो नेट सेल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखिए दोस्तों, जून 2022 में कंपनी ने 2718 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों। पिछले क्वार्टर में देखिए दोस्तों 2398 करोड़, और पिछले साल के जून क्वार्टर में देखिए दोस्तों 1274 करोड़। तो दोस्तों डबल से भी ज्यादा इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों इस क्वार्टर में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो सब कट होके आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी जबरदस्त प्रॉफिटेबल हो चुकी है। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है दोस्तों जून 21 में। और पिछले साल के जून 21 में देखिए दोस्तों 56 करोड़ का लॉस किया था दोस्तों कंपनी ने। अगेंस्ट जून 2022 में कंपनी ने 127 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर जबरदस्त जंप है दोस्तों इनके प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए मार्च 2022 में इन्होंने 96 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अगेंस्ट अभी 127 करोड़। तो जबरदस्त प्रॉफिट है दोस्तों। और टैक्स वगैरह कट होकर आप देख सकते हो अभी कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है दोस्तों 95 करोड़ का जून 22 में। और पिछले साल देखिए 42 करोड़ का लॉस किया था, और पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ का प्रॉफिट किया था दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जबरदस्त रिजल्ट पेश किया दोस्तों कंपनी ने। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख सकते हो दोस्तों कंपनी का ईपीएस भी बढ़ चुका है दोस्तों, 0.93 ईपीएस हो चुका है दोस्तों। पिछले क्वार्टर में 0.68 था दोस्तों, और जून 21 में तो माइनस में था दोस्तों ईपीएस। और अभी अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए दोस्तों कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अर्निंग पर शेयर जबरदस्त बढ़ चुका है दोस्तों, और इस शेयर के बुरे दिन खत्म हो गए दोस्तों। अभी कंसोलिडेशन के बाहर आएगा दोस्तों ये शेयर, और अभी जबरदस्त रैली कर सकता है दोस्तों ये शेयर। 100 रुपीज को इजिली क्रॉस कर सकता है दोस्तों ये शेयर। और बिग इन्वेस्टर देखिए इसमें दोस्तों सुंदरम ग्रुप ने इसमें 1.6% का स्टेक खरीद लिया है दोस्तों, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.41% का स्टेक है दोस्तों। और अभी हम आते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 60%, FIIs है 2.7%, DIIs भी 2% के आसपास है दोस्तों, और पब्लिक है 34%। तो पब्लिक ने जम के माल खरीदा है दोस्तों इसमें। और देखिए DIIs है 1.96% दोस्तों। और इसकी पीएस कंपनियां देखिए दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स की, टाइटन तो बिग प्लेयर है दोस्तों, उसके सामने ये कंपनी बहुत छोटी है दोस्तों। सेकंड में आती है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट, राजेश एक्सपोर्ट के बाद कल्याण ज्वेलर्स ही आता है दोस्तों। और आप देख सकते हो वैभव ग्लोबल भी बहुत क्रैश हो चुका है दोस्तों। और पीसी ज्वेलर देखिए दोस्तों 53 रुपीज पे पीसी ज्वेलर चल रहा है, और 70 रुपीज पे कल्याण ज्वेलर चल रहा है दोस्तों। तो पीसी ज्वेलर से बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स तो पेनी स्टॉक है दोस्तों, आप पेनी बोल सकते हो इसको। कभी भी अपर सर्किट में आता है और कभी भी लोअर सर्किट में चला जाएगा दोस्तों ये शेयर। और कल्याण ज्वेलर्स अच्छी कंपनी है दोस्तों, तो इसके प्राइस में आप कल्याण ज्वेलर के साथ जा सकते हो दोस्तों। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। और अभी हम आते शेयर पे, आप देख सकते हो आज के दिन इसने जबरदस्त रैली की है दोस्तों, 6% भाग चुका है दोस्तों। आज मार्केट क्लोज होने से पहले ही रिजल्ट आ चुके थे दोस्तों। और 1 मंथ में देखिए इस शेयर ने 15% की रैली की है दोस्तों, और अब 6 महीने में देखिए इस शेयर ने 7% की रिटर्न दिया दोस्तों। तो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों 6 महीने से शेयर, और आपको अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये शेयर इजीली 100 रुपीज को क्रॉस कर देगा दोस्तों इस रिजल्ट के दम पे। इसका 52 वीक लो देखिए 55 रुपीज, और 52 वीक हाई 83 रुपीज। ये 52 वीक हाई को क्रॉस करके अगर निकल जाएगा दोस्तों ये शेयर। और मैक्सिमम देखिए ये शेयर अभी अभी लिस्ट हुआ है दोस्तों मार्केट में, 2021 में मार्केट में लिस्ट हुआ है दोस्तों ये शेयर। हार्डली 1 साल हुआ है दोस्तों इस शेयर को। आपको लॉन्ग टर्म पारी खेलनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके वेल्थ क्रिएट होगी दोस्तों। ये शेयर अभी अच्छी रैली कर सकता है दोस्तों इस रिजल्ट के दम पे, और कंपनी को रेगुलरली अच्छे रिजल्ट पेश करने पड़ेंगे, तब जाके ये मल्टीबैगर शेयर बन सकता है दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।